नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 अक्टूबर 2020 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि वालों के लिए 29 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा, किन चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और किन चीज़ों में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, क्या बड़ी घटनाएं आज आपके साथ होने वाली हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी, क्या क्या शुभ समाचार मिलेंगे, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। नौकरी, करियर, व्यापार, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहां आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको तुला राशि की वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहे। देखिए, हमारा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे 29 अक्टूबर का ये जो दिन है ये आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। मित्रों, 29 अक्टूबर को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा, हर्षण नाम का योग है जो आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा। गुरुवार का ये दिन है, चंद्रमा मीन राशि में है जबकि सूर्य तुला राशि में विराजमान है, यानी कि आपके लग्न में है। बात करें अगर आज के राहुकाल के समय के बारे में तो ये समय रहेगा दोपहर 1:35 से लेकर दोपहर 2:59 तक का समय आपके लिए अशुभ है, इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। बात करें अगर आज के अभिजीत मुहूर्त की तो ये समय रहेगा सुबह 10:48 से लेकर सुबह 11:33 तक का समय आपके लिए शुभ है, इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे 29 अक्टूबर का दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर एक दिन एक जैसा कभी नहीं होता, कोई दिन ऐसा होता है जो हमारे लिए शुभ समाचार की सौगात लेकर आता है तो कभी कोई दिन ऐसा होता है जब बहुत सी चुनौतियाँ आकर हमारे सामने हमारे जीवन में खड़ी हो जाती हैं और हम उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं, तो कभी कोई दिन ऐसा आता है जब हमारे सभी काम आसानी से पूरे हो जाते हैं, घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहता है, हम अंदर से ही काफ़ी प्रसन्न रहते हैं क्योंकि हमारे बहुत काम आसानी से पूरे हो जाते हैं, तो कभी बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, घर परिवार में गृह कलेश होते हैं, अचानक से हमारी जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो पूरा जीवन हमारा बदल कर रख देते हैं, तो कभी तकदीर का सितारा अचानक से ही चमक जाता है। तो मित्रों, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसकी क्या वजह है, तो मैं आपको बता दूं, ग्रह नक्षत्रों में जब भी कोई बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तब उसका सकारात्मक प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, जबकि कुछ चीज़ों में हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों में ग्रह नक्षत्रों का बुरा प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है जिसके अनुसार हमें बुरे रिजल्ट मिलते हैं, हमारे काम नहीं बन पाते, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तब उसका अच्छा प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है और बुरा भी पड़ता है, दोनों ही चीज़ हैं। तो ग्रह नक्षत्रों का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, इसलिए वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताऊंगा, इस उपाय को जरूर सुने और जरूर करें, आज के लिए ये उपाय आपके लिए बहुत अहम है। चलिए बात कर लेते हैं आज के आपके राशिफल के बारे में। देखिए, चंद्रमा की स्थिति अगर हम बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपके कर्म क्षेत्र में होगी और दोस्तों, कर्म क्षेत्र में चंद्रमा की स्थिति आपके कामों को लेकर सक्रियता बढ़ाएगी, यानी अपने कामों की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा बिजी रहेंगे। सबसे पहले आप उन्हें अपने उन सभी कामों को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद आगे की सोचेंगे। मित्रों, इसी को कहते हैं काम में सक्रियता होना, आप सभी काम पूरा करेंगे उसके बाद अगला कदम सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना है, परिवार को समय देना है या मित्रों के साथ बैठना है, यानी कि सबसे पहले आप अपने काम को जरूरी समझेंगे और ये आपके लिए अच्छा भी है अपने काम को लेकर सक्रिय रहना। साथ ही देखिए, आज आप अपने काम के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सक्षम होंगे, आज आपके काम को देखकर
आपके अधिकारी भी आपसे प्रभावित हो सकते हैं, जो बेहद खुशी की बात रहेगी आपके लिए। मित्रों, ये समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए, जब आप अच्छा काम करते हैं, पूरी लगन से करते हैं, तो उसी के बल पर आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी इस समय सौंपी जा सकती है। और देखिए, तुला राशि के जो जातक जितना महत्वपूर्ण काम करते हैं, यानी जिस चीज़ में भी आप परफेक्ट होते हैं, तो उसको अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने की पहल आपको जरूर की जाती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी यहाँ पर होने वाला है, आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और ये जो स्थिति है, ये बेहद अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है, आपको अपने सभी कामों में अच्छा फल देखने को मिलेगा। ऐसा कह सकते हैं कि आपके लिए बड़े अच्छे समय की शुरुआत आज होने वाली है। और मित्रों, इस समय देखिए, शुभ फल पाने के लिए आज आपको ज़्यादा प्रयास करने होंगे, अच्छे काम करने होंगे, बहुत अच्छा प्रयास करना होगा, शुभ कार्य करने होंगे। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का अनुकूल प्रभाव आपके ऊपर रहे, सितारे आपके पक्ष में रहें, तो देखिए, आप अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना शुरू करें, सिर्फ अपने कामों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। दोस्तों, ये ऐसा समय है, आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका कर्म क्षेत्र है, आपका कार्य क्षेत्र है, उसको परिवर्तित ये कर सकता है। इसलिए आपने जो योजनाएं बनाई हैं, तो उन सभी योजनाओं को अमल में लाने का समय आ गया है। इसलिए उन योजनाओं को आप अमल में लेकर आएं और उन्हीं के अनुसार आप काम करना शुरू कर दें। चाहे आप किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, यानी जो भी आपकी कार्य क्षमता है उसमें काम करें, जो भी आपके काम करने का तरीका है उसके अनुसार काम करें। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, बस उसमें ही जुट जाएं, पूरा फोकस आप अपने काम पर बना कर रखें और एक ही राह पकड़ें, कोई उल्टी राह आप इस समय बिल्कुल ना पकड़ें। क्योंकि देखिए, जब भी अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो धर्म के नीति के विरुद्ध होता है, तो उसका रिजल्ट अभी तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन देखिए, बाद में उसका रिजल्ट आपको उतना ही परेशान करने वाला हो सकता है। और यहाँ शनि आपकी राशि के, देखिए, शनि की सबसे प्रिय राशि है और शनि कर्म फल देते हैं, यानी कि जैसे आप कम कर्म करेंगे उसके अनुसार ही आपको वो फल देंगे। तो मित्रों, इस बात को हमेशा आप अपने माइंड में बिठा लें, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे, सीधी राह से चलेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपको जो शनिदेव हैं उनकी कृपा आश्चर्यजनक रूप से प्राप्त हो सकती है, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आपको उपलब्धियां पाने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए आप केवल सही शुभ कार्य करें, अच्छा काम करें जो शनिदेव को प्रसन्न कर सके, अच्छे काम कीजिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए, जिसका परिणाम भी आपको काफ़ी शुभ और निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। इसके अलावा देखिए, इस राशि के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी काफ़ी अनुकूल ये दिन रहेगा। अगर कुछ भी आप नया करना चाहते हैं, तो बस शुरुआत कर दें, समय आपके लिए बना हुआ है। जितना आप काम करेंगे, जितनी मेहनत आज आप करेंगे, अपनी पढ़ाई में करेंगे, तो उसका रिजल्ट आपको निश्चित रूप से जरूर मिलेगा। मित्रों, आज आपके कर्म का जो भाव है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा, आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जिसका रिजल्ट भी आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। व्यापारियों की अगर बात करें, व्यापारियों के लिए ये समय काफी अच्छा है। और देखिए, क्योंकि बुध का प्रभाव आज आपके ऊपर रहेगा, साथ ही इस दौरान आपका ऐसा मन होगा कि आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोचेंगे, कुछ लोगों से मिलने के बारे में आप सोचेंगे। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मित्रों के साथ बाहर जाएं, अच्छे से इस समय को एंजॉय करें। इसके अलावा आज किसी सामाजिक समारोह में भी आपको जाने का मौका मिल सकता है, जिसके चलते आपको बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिले, नए संपर्क आपके बने और नई योजनाएं आपके लिए आएंगी। देखिए, सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का अब समय आ गया है। आज कुछ लोगों की सलाह आपके बहुत काम आएगी और आपको लाभ भी मिलेगा। मित्रों, अगर आप अपने काम को समय से पूरा करेंगे, तो भविष्य में आप अपने करियर में तेजी से सुधार होता हुआ पाएंगे। बात करें अगर आज के प्रेम जीवन की, पारिवारिक जीवन की, तो ये समय बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रेम जीवन में नए रंग भरने का ये समय है। जीवन साथी इस समय आपको कोई सरप्राइज दे सकता है, या फिर आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसा काम कर सकता है, जिससे कि आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। आपके रिश्ते में एक ठहराव आएगा, नज़दीकियां बढ़ेंगी, जिन लोगों के रिश्तों में खटास थी वो खटास दूर होगी और प्रेम जीवन में एक नई उमंग आप महसूस करेंगे, एक अजीब सी शांति आप महसूस करेंगे। प्रेम जीवन के लिहाज से, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से आज का ये दिन काफ़ी शानदार साबित होगा। चलिए बताते हैं एक विशेष उपाय। मित्रों, चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं को आज दान करें, दूध, दही, चावल, चीनी या फिर कोई सफ़ेद वस्त्र किसी गरीब को दान करें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।